जय जोहार दोस्तों, महिला सुपरवाइजर में आज हम देखेंगे हिंदी में शब्द रचना। शब्द रचना में देखिए, सबसे पहले तत्सम तद्भव, फिर उसके बाद तत्सम तद्भव, फिर उसके बाद संधि और समास। किसी भी शब्द की रचना कैसे हो सकती है, शब्द रचना देखेंगे। तो ये चार टॉपिक हैं जिसमें से आपका क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा संधि और चौथा समास। हिंदी के सिलेबस में ये आपका हम देख चुके हैं। देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया के व्यवहारिक प्रयोग। तो अभी हम देखे हैं दूसरा टॉपिक, शब्द रचना, ठीक है। शब्द रचना में देखिए, किसी भी शब्द की रचना कैसे होगी उसमें हम देखते हैं। शब्द कैसे बनेंगे, उपसर्ग, जो कोई शब्द के आपका पहले लगेगा, पहले लगने वाले को हम क्या करेंगे, उपसर्ग कहेंगे, और किसी शब्द के बाद में लगेगा उसे हम प्रत्यय कहेंगे, और जो दो वर्ण के मेल से जो बनेगा संधि होगा, और शब्दों के मेल से बनेगा वो समास होगा। संधि विग्रह, समास विग्रह, इससे प्रश्न पूछते ही हैं, इससे इसको हर कोई बनाता है, लेकिन उपसर्ग और प्रत्यय के कुछ प्रश्न ऐसे रहते हैं जिसको हम बना नहीं पाते। कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, ये सब इसके प्रकार हैं, उपसर्ग के भी प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे उपसर्ग। तो शब्द रचना, वर्ड फॉर्मेशन, या वर्ड को शब्द बोलेंगे, कैसे बनेगा कोई शब्द, कैसे बनेगा, तो या तो उपसर्ग प्रत्यय, उप मतलब होता है समीप, और सर्ग मतलब होता है निर्माण करना। तो देखिए, जो कोई पहले आपका लग जाए, आजन्म, आजीवन, आ उपसर्ग है। प्रत्यय बाद में लगने वाला, प्रति मतलब होता है साथ में या बाद में या पर चलने वाला, आय मतलब चलने वाला या लगने वाला या जुड़ने वाला, ठीक है, प्रतिधन आय। तो ये हो गया हमारा उपसर्ग। उपसर्ग में भी तीन प्रकार हैं, ए, बी और सी। तत्सम उपसर्ग संस्कृत के रहेंगे, तद्भव उपसर्ग हिंदी के रहेंगे, और विदेशज उपसर्ग या तो उर्दू के होंगे या अंग्रेजी के होंगे। अंग्रेजी में जैसे सब इंस्पेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, हेडमास्टर, चीफ मिनिस्टर, वाइस प्रिंसिपल, ये सब जो है अंग्रेजी के उपसर्ग पहले लग रहे हैं, और उसके अर्थ को में आपका वृद्धि कर दे रहे हैं, गुण बढ़ा दे रहे हैं या विपरीत भी कर देते हैं। तो ये है उपसर्ग के। उपसर्ग में उर्दू में देखेंगे अरबी और फारसी, अरबी और फारसी। तो मैं इसको एकदम डिटेल से बताऊंगा दोस्तों। सबसे पहले देखेंगे तत्सम, जो संस्कृत के आए हैं, तद्भव हिंदी से है, विदेशज में उर्दू और अंग्रेजी, उर्दू में अरबी है और फारसी है। ये समझ में आया, एक बार देख लीजिए। उपसर्ग कितने प्रकार हैं, तत्सम मतलब संस्कृत, तत्धन सम उस समय से लेकर आज तक सम है, सेम है संस्कृत। तद्भव इसी से, संस्कृत से आपका तोड़ मोड़ के उद्भव हुआ है हिंदी, और फिर विदेशी जो बाहर से आए हैं, उर्दू और अंग्रेजी हमारे अरबी उपसर्ग है और फारसी उपसर्ग। तो कौन सा उपसर्ग है, आप तो चुपचाप इसको समझ जाएंगे ये उपसर्ग है कौन सा उपसर्ग है, लेकिन इन सब में दिक्कत होगा, लेकिन मैं बताऊंगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हम इसको बताएंगे नहीं, इसको याद करेंगे। अधि, अधि मतलब समझ गए, मेरा डिपार्टमेंट रहा है एक्साइज आबकारी, और छत्तीसगढ़ में आपका शराब मतलब शौकीन लोग बहुत हैं, उनको आपका रोटी मिले या ना मिले, रोटी का अपना मकान, लेकिन अपना जुगाड़ जमा लेते हैं, अधि। और अनु लड़की है, वो भी अधि मारती है एकदम, मतलब वो पाने के बाद जो है आपका फुर्सत, अधि कौन मार रही है। और आप अभी कुछ मत बोलो, ये गवर्नमेंट जो है ना, वो भी हमारा कोरोना में शराबियों ने पूरा आपका देश को थाम के रखा था, अर्थव्यवस्था को, ठीक, शराबियों को हम हल्के में ले लिए थे कोविड के दौरान। आप अभी कुछ बोलो मत, अधि अन्नु, अधि कौन मार रही है, अन्नु, और आप अभी कुछ मत बोलो। जैसे अपयस, अभी मतलब अभिमान, अधिकार, अनुस्वार, तो ये उपसर्ग है पहले लग रहे हैं, और ये तत्सम उपसर्ग है मतलब संस्कृत के उपसर्ग है, ठीक है। तो ये सारे उसको रटवा दूंगा, इतने सारे हैं, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं। आप अभी बात मत करो, अधि मारी है कौन, अनु, और औ आ, औ आ, नहीं होते औ आ, औ आ, औ आ, उतो मेल, उत उपस्थित हो, उप, औ आ उत
बोलो अ आ उथ, अ आ उथ। देखो अधि अनु, अधि कौन मारी अनु, आप अभी कुछ मत बोलो, अब अभी औ आ उठ, चुपचाप इमतिया और उठ उप। अब देखो दूर हो जा तो बोल रहे नी हो, दूर हो जा नी हो, तो उसके आंख से नीर निकलने लगे, दूर नी नीर, पहले ही फुर्सत में निकाल तो बोले नहीं नहीं निकलूंगे, तो रोने लग गए। परा परी एकदम रो रही है, परी परा भी रो रहा है और परी भी रो रही है, परा भी रो रहा है और परी, परा उपसर्ग है, परी उपसर्ग है। फिर उसके बाद प्रप्रति, प्रपति, प्रॉपर्टी नहीं होता है, प्रपति प्रपति। विषम श्रु, विषम सु, हम सम मतलब होता है कुछ, सु करके आ जाते हैं, ठीक। विषम सु, जैसे सम का क्या है इसको पूछेगा दोस्तों, सम से पूछता है, जैसे सम क्वेश्चन पूछेगा सम वाला पूछता है, तो उसको मैं आप एग्जांपल, संयोग, सम्मान, संताप, संतोष, संचय, सम्मेलन, ये सम है। सु सुतीक्ष्ण, सुनयन, सुपुत्र, सम से होगा संजय, संगति, संकल्प, वी से विनाश, तो ये सब संस्कृत के उपसर्ग है। कैसे अधि, अधि कौन मार रही है अनु, और आप तो अभी, आप अभी कुछ बोलो मत, क्यों मत बोलो, औ आ तो चुपचाप आ, अमर उत उत अभी उत और उपस्थित हो, मैं हूं ले उठ और मेरे उपस्थित हो। नी हो बे तोला दूर हो जा, पूरा दूर हो जा, उपस्थित है मेरे आ नहीं सका था, दूर हो जा, और बोल रही नहीं नहीं होंगी, तो आँख से नीर निकलेगा, नी नीर, नी नीर। और फिर परापरी, देखना परा मतलब लड़का, परी मतलब लड़की, परापरी जो है इन लोग अपने आप को प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, प्र और पति, प्र और प्रति। और लास्ट होगा वी सम सु निकाल देंगे, वी सम श्रु, सम श्रु मतलब होता है मूछ। कोई बात नहीं, एक बार और देखो, अधि कौन मारेगी अनु, और आप अभी कुछ बोलो मत, अब अभी आओ तो आओ, आओ आ उतना उत थो जरा, औ आ उत, औ आ उत, नहीं उठबे तो उपस्थित होए मैं, और नहीं होता तो दूर हो, दूर तो बोल रही नी नीर, परापरी और प्रॉपर्टी प्रापति, और वी सम श्रु सु सु, सुनयन सुगंध, संयोग समधन योग, वियोग प्रतिघात। उपसर्ग ऐसे हैं जो उल्टा अर्थ बना देते हैं विलोम, या उसके अर्थ में गुण में वृद्धि कर देते हैं, या कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये तीनों क्वालिटी होता है उपसर्ग में, ठीक है। देखो ध्यान दो, एक बार और मैं लिख देता हूँ उपसर्ग। उपसर्ग में देखो क्या है जी, बताओ सबसे पहले। अधि अनु, अनु जो है ना अधि मार रही है, आप अभी कुछ मत बोलो, आप अभी कुछ मत बोलो, चुप रहो एकदम, औ आ नहीं आस्त उठ, और नहीं उठा सकता तो अभी उपस्थित हो, औ आ उठ और उपस्थित हो, नहीं तो दूर हो, नी दूर हो तो नी नीर, नी नीर, परा परी और प्रपति प्रप्रति, वी सम सु, प्रपति परा परी दूर दूर नीर। तो ये आपका क्या हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 उपसर्ग याद करना है, रटा गया। और इसको बार बार आपको याद करना है, चिपका दी रहो श्लोक में, अनु अधि मार रही है, आप अभी कुछ मत बोलो, और चुपचाप ना आओ, आ उत उपस्थित हो, ठीक, आओ 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 आ नहीं आ रहे तो उत उपस्थित हो, अब दूर हो जा, नी पास नहीं आ सकता दूरे हो जा, तो बोल रहे नी नीर, आंसू निकल रहा है,
परापरी, फिर प्रप्रति, वि सम सु, ये हो गया जी सबका। देखिए सु है, सु से क्या होगा एक एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे अति है तो अतिरिक्त, अत्याचार, अत्यंत, अत्यधिक, अत्युत्तम, अधि से अधिपति, अधिकरण, अधिशुल्क, अधिनायक, अधीश, अनु से अनुचर, अनुवाद, और अभी से अभिमुख, ये सब संस्कृत के उपसर्ग है। क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से संस्कृत के उपसर्ग कौन से नहीं छांटी, बहुत कठिन होगा तब ऐसा पूछेगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया हमारा संस्कृत के उपसर्ग।